पटना से रुककर एक बड़ी खबर की ओर। नवंबर के पहले हफ्ते में फिर से शुरू होगी शिक्षक बहाली। कक्षा 6 से 12वीं तक 1,10,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलेगी। पहले से निर्धारित 70,000 वैकेंसी में 40,000 वैकेंसी जुड़ेंगी। पहले फेज की बहाली में खाली पड़े पदों को मर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग अक्टूबर के अंत तक बीपीएससी को सूची भेजेगा। रोस्टर क्लियरेंस के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। विज्ञापन निकलने के बाद 1 महीने तक वक्त दिया जाएगा और 1 महीने में अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, देखिए नवंबर के पहले हफ्ते में ही शिक्षक बहाली शुरू होने की बात कही जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपको बता दूं कि नवंबर के शुरू में ही शिक्षक बहाली की वैकेंसी फिर से निकाली जाएगी। पहले चरण में जो वैकेंसियां निकाली गई थी, जिसमें जो रिक्त पदें खाली थी, 11th 12th की बात कर लूँ, 9th 10th की बात कर लूँ, इसमें कई जो रिक्त पदें थे वो खाली है। इन सभी रिक्त पदों को मर्ज किया जाएगा दूसरे चरण में और लगभग 1 लाख के आसपास की वैकेंसी निकाली जाएगी दूसरे चरण में। और जो शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी लगातार जो काम कर रही है, उसी की कड़ी में ये काम है। आपको बता दूं कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद सूचना बीपीएससी को भेजा जाएगा और उसी के आधार पे वैकेंसी निकाली जाएगी। और 1 महीने के भी 1 महीने का समय दिया जाएगा अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जब 1 महीने का समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम की जो तिथि है वो दी जाएगी, प्रमाण पत्र निकालने की बात कही जाएगी। लेकिन इससे पहले बीपीएससी और शिक्षक बहाली में फिर से बड़ी वैकेंसी निकलने जा रही है। अक्टूबर अंत, नवंबर के पहले सप्ताह में वैकेंसी निकलेगी और अक्टूबर अंत में रोस्टर क्लियर होने के बाद ये जो सूचना है, नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया जाएगा। 40,000 जो पदे हैं वो ऐड ऑन किए जाएंगे, क्योंकि पहले से जो रिक्त पदे खाली थे उन सभी पदों को फिर से भरा जाएगा दूसरे चरण में। लक्ष्मी बिल्कुल अमन, देखिए खाली पड़े पदों को किस तरीके से मर्ज किया जाएगा, ये एक बार आप दर्शकों को ठीक तरीके से समझाएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो अभी पद खाली है 9th 10th 11th 12th, इन क्लासेस के लिए जो शिक्षकों के नियुक्ति के लिए पद खाली है, वो सभी पद पहले से जो पद है 70,000 जो दूसरे चरण में पद निकलेंगे, उसके बाद जो 40,000 उसे जोड़कर 1,20,000 के आसपास के पद जो है, 1,10,000 के आसपास जो पद है वो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी। दोनों जो रिक्त पदे हैं उसे मर्ज किया जाएगा। पहले जो भी रिक्त पदे अभी जो खाली रह गए, जिसमें नियुक्ति नहीं हुई है, जिनमें वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई थी, उन सभी को एक साथ मर्ज करके दूसरे चरण में फिर से एग्ज़ाम होगा बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली में। और सभी 1,10,000 की वैकेंसी निकाली जाएगी और सभी जो वैकेंसी निकाली जाएगी उन सभी पदों के लिए एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट कराया जाएगा और वो नवंबर के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। अभी रोस्टर क्लियरेंस की वजह से वो अभी जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया। जैसे ही रोस्टर क्लियर हो जाता है, तमाम रिक्त पदों को भरने के लिए एक नया वैकेंसी निकाला जाएगा दूसरे चरण में शिक्षक बहाली में। और जो तमाम जो पिछले पहले चरण में जो पदें खाली थी, उन सभी पदों को मर्ज करके दूसरे चरण में नया वैकेंसी निकाला जाएगा। लक्ष्मी ठीक है, मन बने रहिए, आप आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।